हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो स्टार्ट कर रहे थे और मैंने आपको ट्रू सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था। आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। अब जैसा मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्यूशन की डेफिनेशन बता चुका हूँ कि सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ होमोजीनियस मिक्सचर डिफाइंड एज अ होमोजीनियस मिक्सचर सॉरी ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहां पर सोल्यूट वो फेज होता है जो डिजोल्व होता है और सॉल्वेंट जिसमें वो डिजोल्व होता है। और ट्रू सॉल्यूशन में जितने भी पार्टिकल साइज होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया लेस देन 1 नैनोमीटर होते हैं, वो आपको माइंड में रखना है अपने। अब यहाँ पर हम याद रखेंगे जो भी सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, इसका क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन किस बेस पर कर रहे हैं बेटा हम, तो इसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे क्योंकि उतना ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है। तो सॉल्यूशन को हम फिजिकल स्टेट के बेस पर याद रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्यूट का फेज क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, सॉल्वेंट का फेज क्या है और उसका जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या बनेगा, ओके और उसके बाद में एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसे आपको एक टेबल मिल जाएगा बहुत से टेक्स्ट बुक में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, इसलिए मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सॉल्यूशन आपने ट्रू सॉल्यूशन बनाया जिसमें सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है, ओके और सॉल्वेंट जैसे लिक्विड है फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो सॉल्यूशन है उसका टाइप बनेगा सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ओके सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन हो गया सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के लिए बेस्ट एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन, क्योंकि शुगर सॉलिड होती है और वाटर जो है वो लिक्विड होता है, इसलिए शुगर सॉल्यूशन। यहाँ पर कोई भी आप सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में तभी रख सकते हैं जब पार्टिकल साइज जो है लेस देन 1 नैनोमीटर रहेगा, जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे उसमें, और जब दो फेजेस को मिलाएंगे तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए बेस्ट एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन एक्सेट्रा, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर मैंने मान लीजिए सॉलिड इन सॉलिड, सॉल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है, अगर इस टाइप का आप सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं तो इसका बेस्ट एग्जांपल है अलॉय, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा मेटल को जब आप मिलाते हो तो अलॉय तैयार होता है। तो ये सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन बन गया, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, ओके। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है मेटल अलॉय, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आइडियली जो पार्टिकल साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होना चाहिए और होमोजीनियस मिक्सचर बनना चाहिए। तो इस तरीके से आप फिजिकल स्टेट के बेस पर ऐसे बहुत से सॉल्यूशन बना सकते हैं। तीन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तो सॉल्यूट तीनों भी फेज का हो सकता है और अलग अलग कॉम्बिनेशन से आप बता। गैस इन लिक्विड, अगर आप ये देखेंगे तो डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो ये एक ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा, ओके। तो इस तरीके से आप ये फिजिकल स्टेट के बेस पर 9 टाइप के सॉल्यूशन बना सकते हैं, मतलब हर कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। ये बहुत सिंपल टॉपिक था इसलिए मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस। तो आप 9 कॉम्बिनेशन से ट्रू सॉल्यूशन बना सकते हैं। उसके लिए आइडियली 2 ही पॉइंट आपको याद रखना है, सबसे पहले होमोजीनियस मिक्सचर बनना चाहिए और जितने भी पार्टिकल साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होना बहुत
जरूरी है, तभी आप जो है ट्रू सॉल्यूशन बोल सकते हैं इसको। तो हमारे डेली लाइफ में ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जो ट्रू सॉल्यूशन के एग्जांपल है, जिसमें मतलब आप एक फेस को सॉल्यूट मानेंगे और दूसरे फेस को सॉल्वेंट। तो आपको एक टेबल मिलेगा बहुत से टेक्सटबुक में, वो टेबल का एग्जांपल आपको याद रखना है। मैं पूरे 9 टाइप नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमको बहुत से इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ना है, इसलिए ये बहुत ईजी टॉपिक है, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं कि जो ट्रू सॉल्यूशन है ना, या सॉल्यूशन जिसको आप बोलेंगे, ट्रू सॉल्यूशन बोलो या सॉल्यूशन जो हम स्टडी कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन को समझने के लिए हम कुछ टर्म्स को याद रखेंगे। इस टर्म को मैं थोड़ा ब्रीफली लेता हूँ फटाफट, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, अगर मैंने एक सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन को मैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोल रहा हूँ, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि भाई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का अमाउंट आपको एग्जैक्टली पता है। ओके, यानी कॉन्सेंट्रेशन मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट अगर आपको पता है, तो आप ऐसे सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। द सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन वूस कॉन्सेंट्रेशन, जिसका कि वूस कॉन्सेंट्रेशन इज नोन टू अस, अगर हमें उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन नोन है, तो ऐसे सॉल्यूशन को आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलेंगे। बेस्ट एग्जांपल, अगर मैंने बोला 1 ग्राम शुगर, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, इन 100 ml वाटर। अब आप देखो यहाँ पर एक शुगर सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। आई नो दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द सब्सटेंसेस, मैं दोनों भी सब्सटेंसेस का कॉन्सेंट्रेशन जानता हूँ, तो इसीलिए मैं ऐसे सॉल्यूशन को क्या मानूंगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ये हो गया शुगर सॉल्यूशन इन जनरल, है ना, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड इट इज अ एग्जांपल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाए। दूसरा एक टर्म हम सॉल्यूशन पढ़ते पढ़ते आते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब आप बोलेंगे सर डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, अगर कोई आपने सॉल्यूशन बनाया जिसमें सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट से बहुत ज्यादा है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज इन हायर कॉन्सेंट्रेशन, अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन में है, ठीक है ना, तो ऐसे सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। बेस्ट एग्जांपल, अगर मैं ऊपर के एग्जांपल लेता हूँ, 1 ग्राम शुगर इन 1000 ml वाटर, जाहिर सी बात है वाटर का जो डेंसिटी होता है अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, तो 100 ग्राम पकड़ लो वाटर। तो ये जो सॉल्यूशन है इसको आप डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है और शुगर सॉल्यूट है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए हम डाइल्यूट सॉल्यूशन ये वर्ड यूज करेंगे। उसी तरीके से एक और सॉल्यूशन के टाइम एक टर्म आती है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन किसे कहेंगे बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहेंगे जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज इन हायर कॉन्सेंट्रेशन, इज इन बोलो हायर कॉन्सेंट्रेशन देन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के कंपेयर में अगर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को आप कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। बेस्ट और आइडियल एग्जांपल, अब मैं आपको बोला 100 ग्राम शुगर इन 50 ml वाटर, ये तो अब ये भी सॉल्यूशन बना, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूट बहुत ज्यादा है और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है। अब शुगर ज्यादा रह के भी डिजॉल्व होती है, इसलिए सॉल्यूट बन गई और वाटर सॉल्वेंट बना। डोंट बी कंफ्यूज कि जो लेस है वो सॉल्यूट और जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट, नहीं, जो डिजॉल्व होता है वो सॉल्यूट, जिसमें डिजॉल्व हो सॉल्वेंट। तो इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये 3 टर्म बहुत ही सिंपल थी। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन परफेक्टली नोन है। ओके, डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूट कम है,
कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है, इसका आप बार बार रिवीजन करो स्क्रीनशॉट लेकर और अंडरस्टैंड करो। अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आ रहे हैं। अब आपने अगर एक सॉल्यूशन बनाया मान लीजिए, और वो सॉल्यूशन बनाने के बाद हम उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो देर आर वेरियस वेज टू एक्सप्रेस दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हर बार तो हम नहीं लिख सकते कि इतने ग्राम सॉल्यूट इतने ग्राम सॉल्वेंट, बाइनरी सिस्टम है अगर दो फेजेस का सॉल्यूशन बना रहे। तो यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड साइंटिफिक टेक्निकल टर्म्स है, उन टेक्निकल टर्म्स को हम एक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए यूज करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का आपको कैलकुलेशन या अंदाजा लगना चाहिए। अगर इस तरीके से कुछ टर्म्स हम यूज करेंगे तो इसको बोलते हैं वेज टू एक्सप्रेस दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको याद रखना है कि हम जो टॉपिक अभी स्टार्ट करने वाले हैं वो है वेज टू एक्सप्रेस दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर एक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मुझे एक्सप्रेस करना है तो मैं अलग अलग टर्म का यूज करूंगा। अब मैंने आपको अभी बता दिया व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसको समझ लेते हैं हम थोड़ा सा एक लाइन में। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्यूशन। इस तरीके का एक्सप्रेशन कहलाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, याद रखेंगे आप। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कितने वेज है जिससे मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो अब जाहिर सी बात है बोर्ड, स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड और नीट और जेई में थोड़े से टर्म जो है डिवाइडेड है, तो अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से आप वो मैं पूरी टर्म्स पढ़ाऊंगा ताकि जेई नीट वालों को भी हेल्प हो जाए और बोर्ड वालों को भी हेल्प हो जाए। तो हमारे पास वन बाय वन हम एक एक टर्म्स लेते चले जाएंगे, मैं लिस्ट नहीं बना रहा हूँ टाइम वेस्ट होता करके। ओरली बोल देता हूँ कि हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए जैसे परसेंटेज बाय मास है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम है, मास परसेंटेज जिसको बोलते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम है, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शंस, पार्ट्स पर मिलियन, ये सब टर्म्स की मदद से एक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जो है एक्सप्रेस करेंगे। सबसे पहली जो टर्म है परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास या मास परसेंटेज बोलो या वेट बाय वेट परसेंट भी बोलते इसको, या मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। अब यहां पर आप परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन की टर्म में अगर एक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस कर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ, गिवन वेट या गिवन मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ओके, गिवन वेट या मास लिख सकते हैं आप ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, अगर ये टर्म में आप एक्सप्रेस करते हो तो इसको बोलते हैं परसेंटेज बाय मास या वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। तो अगर मैं परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट कितना परसेंटेज है वेट का ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट कि भाई मैंने सॉल्यूट का कितना वेट लिया, ओके, और मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन का मास कितना है, इनको मैं 100% के टर्म में एक्सप्रेस करूंगा तो ये परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट। यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट को हम W2 से बता देंगे, ओके, वेट ऑफ
मास ऑफ सॉल्यूशन को W1 प्लस W2 से बता देंगे इनटू 100। तो यहाँ पर आपको हमेशा कुछ सिंबल्स का यूज करना है। तो अभी आपको याद रखना है कि यहाँ पर W2 ये क्या है, ये है मास ऑफ सॉल्यूट। अब हमेशा हम सॉल्यूट के मास को W2 से बताएंगे एंड ऑफ द चैप्टर तक। और W1 क्या है बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास ये W1 से बताएंगे, ये भी आपको याद रखना है। और अगर आपको ये दोनों चीज़ें पता है तो आप परसेंटेज बाय मास कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल सा इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेके बताता हूँ ताकि आपके माइंड में आ जाए कि हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्यूशन। ओके, अगर मैंने बोला कि इफ 20 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 80 ग्राम वाटर, मैं बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन दे रहा हूँ ताकि हर स्टूडेंट को, इफ 20 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम वाटर देन W/W% ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन विल बी कितना हो जाएगा। वेरी सिंपल, अगर मैं परसेंटेज बाय मास ऑफ शुगर कैलकुलेट करना, क्योंकि शुगर जो है वो सॉल्यूट है, लेस है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, W2/W1+W2। तो यहां पर वेट ऑफ द सॉल्यूट यानी वेट ऑफ द शुगर कितना है, W2 वेट ऑफ द शुगर है 20 ग्राम और वेट ऑफ द सॉल्वेंट यानी वाटर कितना है 80 ग्राम। तो जहां पर वैल्यूज है मैं रख दूंगा इनटू मल्टीप्लाइड बाय 100 करूंगा तो मुझे परसेंटेज आ जाएगा। तो यहां पर ये 20 लिख दिया मैंने और यहां पर W1 का 80 ग्राम प्लस वेट ऑफ द सॉल्यूट 20 इनटू 100, वेरी सिंपल कैलकुलेशन। तो कितना हो गया बेटा 20/100 इनटू 100, तो हाउ मच इट इज 100 कैंसिल, तो 20%। तो ये वाला जो कैलकुलेशन है बहुत ही सिंपल है, आप इसमें डेसिमल पॉइंट का भी न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन बनाया गया जिसमें 20 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम वाटर है, ये 20% ऑफ शुगर इन 100% ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये हो गया मास परसेंटेज पहला टर्म। अब हम अगले वीडियो में जो है नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी आर मीटिंग इन अ नेक्स्ट वीडियो।